हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। ये देखिए आज हम आ गए हैं फाइनली राम जी के नगरी में, यानी अयोध्या। चलिए दिखाते हैं अयोध्या, आप लोगों को घुमाते हैं कैसा है, क्या क्या चीज़, हर एक चीज़ एक एक चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हम पाँच छः दिन रहेंगे, यहीं पर सब कुछ दिखाएंगे, कुछ भी ना छूटे। इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक। ये देखिए दोस्तों, ये सब अयोध्या नगरी है, बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों मंच है, ये प्रोग्राम वोग्राम होगा, उन लोगों का मंच है। देखिए दोस्तों पुराना महल है, ये देखिए राम जी का पुराना महल, ये राम नगरी है। चलिए दिखाते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा होगा, उधर वाटरफॉल भी है। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए राम नगरी है, राम जी का नगरी। ये पुराना वाला है, न्यू वाला भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए ये वाला, हर एक चीज़ दिखाएंगे बारीकी से, बस देखते रहिए आप लोग, बने रहिए हमारे वीडियो में। ये देखिए सब राम नगरी है, टोटल राम नगरी, देखिए जैसा है। ये देखिए दोस्तों वाटरफॉल उधर जो दिखाई दे रहा है, उसका मुख्य कारण यहीं से है, जो उधर से पानी इधर डाल रहा है, सबमर्सिबल है, 100 HP का होगा, 100 HP या 200 HP का, कई गो है, 3, 2, 4, 6 है, देख लीजिए। और राम जी का राम नगरी तो देख लिए लो आप लोग। चलिए अब राम मंदिर के पास ले जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो में।
लग रहा है दोस्तों देखने में। राम राम जी का भवन बहुत सारा है, रुकिए चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों फाइनली ये यहाँ पे बोट लगा हुआ है सब पर्यटकों के लिए घूमने के लिए। देखिए देखिए कितना सुंदर सब लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या क्या कंपनी का है बहुत सारा है। चलिए अभी हम भी हैं, बाद में झूलेंगे चाहे घूमेंगे, तब तक आप लोगों को पहले मनोरंजन करवा दें, दिखा दें। देखिए रामनगरी ऐसे खंडर टाइप के पड़ा हुआ है, सब मीडिया वाला आया है, लोग सब मीडिया वाला सब खंडर। ये देखिए रामनगरी फ्रेंड हनुमानगढ़ में भी, हनुमानगढ़ के भी है ये हनुमानगढ़ मंदिर हो जो है साथ में। आइए देखिए ये क्या है जी, ये सुकनखा है का शायद शायद शायद। कितना चाहिए बहुत बड़ा भीड़ है, बड़े आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए लोग। अयोध्या के पुराने भवनों में से एक ये भी है, अंदर तो अभी नहीं जा पा रहे हैं, खैर चलिए दिखा देते हैं, देखते हैं। भव्य प्रदर्शन है ये, पहले का राम जी का बनाया हुआ है शायद। ऊपर लिखा हुआ है लक्ष्मी द्वार, देखिए द्वार के अंदर बहुत सारा। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि कैसे, आज के जमाने में लोग कहते हैं कि साइंस होता है, और पहले के जमाने में क्या तकनीक यूज होता होगा, इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर प्रदर्शन वाले मंदिर आज के डेट में कैसे और कैसे बन गया है। देखिए चलिए चलते हैं अंदर, ये देखिए फ्रेंड अंदर का है, अंदर का नज़ारा देखिए, बताइए इसमें क्या साइंस है, पहले का कारागार है यह शायद।
कारागार, कारागार है राजा साहब का। कभी मत करना कि मैंने काम को जीत लिया कि मैं बड़ा मर्यादा। देखिए प्रवचन होता है वहीं का। कभी मत करना इस बात का भी गमन। एक कथा मुझे दृष्टांत है, बहुत अच्छा याद आ रहा है। एक महात्मा थे वयोवृद्ध, महात्मा एक लाल है कि नहीं, तो बाबा कहते थे लाली उस समय रुक जा, बाद में बताऊंगा। वो बार बार आती थी, बार बार पूछती थी, बाबा तेरी दाढ़ी में दाग है कि नहीं, बाबा तेरी दाढ़ी में दाग है कि नहीं। बाबा ये कई बात कहते थे, कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन रुक जा, बताऊंगा तुझे, बताए बिना नहीं मरूंगा, तुझे बता के मरूंगा। एक समय, वो समय नजदीक आ गया जब बाबा को अनुभव हुआ कि अब मैं जाने वाला हूं, शरीर छोड़ने वाला हूं। जब ये अनुभव हुआ बाबा को, तो गांव वाले, बाबा बोले देखो हम जाने वाले हैं, एक काम हमारा कर दो। क्या ठाकुर जी, गांव में वो देवी रहती है। तो मीडिया वाले हेलो, और ये मिथिला से आया हेलो प्रोग्राम करने के लिए, मिथिला से। देखिए राम मंदिर चल रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है, चल के जाना पड़ेगा गाइस, बहुत भीड़ है काफ़ी ज़्यादा। चल रहे हैं, कौन हम भागे जा रहे हैं। श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का लाइव प्रोग्राम चल रहा था, आप लोगों को दिखाया, लेकिन बहुत दूरी पे है कैमरा में, हमारे मोबाइल में साफ नहीं आ रहा होगा, इसलिए थोड़ी ही देर के 2 मिनट का रखे थे, एडजस्ट कर लीजिएगा लोग। ये देखिए दोस्तों, भारत न्यूज से, ये लोग भारत न्यूज में है। और देखिए राम जी का नगरी, राम फिर लौटे, देखिए वही मंदिर हम लोग जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो में, देखिए बीड़ा। ये देखिए फ्रेंड, अयोध्या में आने के बाद ये प्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, देख लीजिए। आइए लो अयोध्या और खाइए लो प्रसाद फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, गदा, गदा भी बिछ रहा है, बचा रहा है सब गदा होता। हाय फ्रेंड, देख लीजिए फाइनली रामगढ़। रामगढ़ मेला में अभी तो यहाँ पे ऊपर नहीं है, हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा पा रहे हैं, अभी मन नहीं है गाइस, बहुत थक गए हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाते हैं तब लोगों को दिखाते हैं। ये ए भाई, मुझे कॉलेज है।
देखिए दोस्तों, फाइनली रात के 10:30-11 बज रहा है, अभी भी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फाइनली हम जा रहे हैं, देखिए अभी भी कॉन्ट्रैक्शन लाइन का काम हो रहा है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होता है। बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे थे, लोग फ्रेंड का लड़का सब है, अभी पूछ रहा था लोग ब्लॉग बना रहे हैं का, तो हम भाई ब्लॉग तो बना रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आगे आप लोगों की मर्जी। चलिए देखते हैं, इसके पहले आए थे तो अंदर नहीं घुसने दिया था लोग, अब हो सकता है कि घुसने दे लो, क्योंकि अभी ऐसी नहीं है, रुकावट तो नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड, फिलहाल में साफ सुथरा तो हो गया है, जिसे कुछ काम हो रहा था तो कुछ रुक गया है, अभी बहुत सारा कम हो गया है। मतलब इतना भीड़ था, लाइन तो आप लोगों को दिखाई किए थे, कितना बड़ा लाइन था, एकदम लंबा लाइन था। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चलना है, काफ़ी दूर चलना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, चल के बात करते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड, ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि रात को कैसा लगता है आपके और हमारे प्रभु श्री राम का धाम, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जन्मस्थली है, ये यहाँ आए हैं फिलहाल। पीछे से हम आए हैं, पीछे का व्यू है, यहाँ से आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये है, और ये आगे ही राम मंदिर है उनका। ये देखिए ये काम हो रहा है, अभी बड़ी जोरों शोरों से काम हो रहा है। हम कहे तब कितना सारा पर्यटक जहाँ तहाँ खड़े हुए हैं लोग, बहुत सारा लोग यहाँ पे भी है। देखिए हमारे देश में ये चीज़ का सुविधा है कि सरकार हर चीज़ देखती है कि गरीब हो या अमीर, सबके रहने और खाने का व्यवस्था भी अच्छा खासा किया गया है। ऐसा नहीं है कि VIP लोग आ रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों का स्वागत है, सबका स्वागत है। दोस्तों आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत प्यारा जगह है, इतना प्यारा क्या बताएं, देखने से मन ही नहीं थक रहा है। हर दिन घूमे हैं आप लोगों का वीडियो काम ज़्यादा, अपना मन के संतुष्टि के लिए हम घूमे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रशासन अगर रोकेगी तो उनका सुनवाई करेंगे हम, क्योंकि हम भी इसी देश में हैं। अगर नहीं रोकेगी तो चलिए अंदर दिखाते हैं, भगवान राम जाने क्या होगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे बाहर का भी दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी काम हो रहा है इसका, 22 तारीख तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली टोटल कंप्लीट हो जाएगा 22 तारीख तक। ये देखिए हम वहाँ राम मंदिर, ये राम जी का मंदिर है यात्रा, लेकिन ये फाइनली मंदिर ये वाला नहीं है, जो है मेन मंदिर वो वहाँ से अंदर है। देखिए वहाँ से नहीं जाने दे रहा है लोग, प्रशासन सही रुक रहा है, लोग मना कर रहा है लोग, भाई मोबाइल वाल लेके नहीं जाना है। आखिर क्यों मोबाइल नहीं लेके जाना है ये तो पता नहीं है हमको। देखिए चलते हैं, का मना कर रहा है लोग, का कह रहा है लोग, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड, देख लीजिए लोग नहीं जाने दे रहा है लोग, तो क्या किया जाए, यहीं से दूर से जूम करके दिखा रहे हैं, मोबाइल नहीं जाएगा, बाकी लोग जा सकता है लोग। बैठ जाइए, मोबाइल मोबाइल चलाना इधर मना है सर, अंदर अंदर जाके देख सकते हैं लोग, नहीं मोबाइल वाल रख के, मोबाइल भी रख के नहीं जा सकते, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, जा भी नहीं पाओगे। मैंने ये जो नाइट मैंने डे में जाएगा लोग, दिन नाइट में नहीं जाएगा, दिन भी जाओगे तो मोबाइल नहीं ले जाओ, मैंने मोबाइल ही जमा करके कहा, और इस समय शायद जाना ही नहीं, कल चले जाना, अभी तो मोबाइल और ये भी बेल्ट वेल्ट निकालना होता है, बेल्ट मोबाइल फोन जूता चप्पल नहीं, और ईयरफोन नहीं होता ना, देख लीजिए गाइस, ये सर हम लोगों को समझा रहे हैं कि क्या क्या लेके जाएंगे। देखिए अभी काम हो रहा है, इसे दिखाई दे रहा होगा, और हमारे देश में यही चीज़ तो खास है कि प्रशासन अच्छा है, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कैंप गिर रहा है, अंदर नहीं जाने का मतलब नहीं जाना है, हम लोगों को भी उसका पालन करना ही होगा।
चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। ऐसे तो ये मंदिर तो दिखाई दे रहा है, ये तो नजदीक ही है, लेकिन जो मेन मंदिर है अंदर है, उसके पास जाने के लिए कैमरा अलाउ नहीं है, बेल्ट भी नहीं जाएगा, कैमरा भी नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, आज तो बोल रहा है लोग कि नहीं जाएगा लोग, तो मिलते हैं आप लोग से हम कल सुबह में, और कोशिश करेंगे कि अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाएं कैसा हूँ। अगर कोई लिया होगा तो कोशिश करते हैं कि उससे कुछ क्लू ले लें अंदर से, ठीक है। और देखिए नाइट में कैसा लगता है। ये देखिए फ्रेंड, नाइट में कितना सुंदर लग रहा है, जिसे ध्यान है कि सूर्य भगवान अभी उदय हो रहे हैं फ्रेंड, है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे उस पर से हीरे हीरे लटके हुए हैं। आइए सूर्य देखिए, सूर्य अयोध्या का तुलसी अभियान है, ये इतना रात को सबको सेल्फी वेल्फी में लगा हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, देखिए कितना सारे लोग सो गए हैं लोग।